हथियार माइनस जीरो डिग्री टॉर्चर पर चिप उगलेगा 2000 का नोट। 2000 के नोट के रंग वाली कहानी का सच तो आपने जान लिया, अब बारी है फ्रीजर वाले टेस्ट की। जी हाँ, फ्रीजर वाला टेस्ट इसलिए क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि अगर आप अपना 2000 का नया नोट 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो आपको नोट में नैनो चिप दिखाई देने लगेगी, वही चिप जो बार बार चर्चा में आ जाती है। अब क्या है इसका सच, चलिए पता लगाते हैं। क्या आपका फ्रिज 2000 के नोट की पोल खोलेगा? क्या नए नोट का झूठ पकड़ने की ताकत रखता है फ्रीजर? क्या 2000 के नोट की नैनो चिप निकाल सकता है फ्रीजर? क्या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2000 का नोट चिप उगलता है? ये अजीब से लगने वाले सवाल इसीलिए क्योंकि ये वीडियो व्हाट्सएप के जरिए पहुंच चुका आपके मोबाइल का नया मेहमान है जो बहुत बड़े खुलासे का दावा कर रहा है। दावा जो वीडियो में बताया जा रहा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद अपने हाथों से इस नोट में छिपी चिप को निकाल सकते हैं। आप भी सुनिए वीडियो में क्या कहा जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, इस नोट में एक चिप है और हम आपको बताएंगे इस चिप को कैसे रिमूव करना है, इस चिप को कैसे डीएक्टिवेट करना है। इस नोट को आप फ्रीजर के टॉप सेक्शन में रखें और इस नोट को लगभग 3 घंटे फ्रीजर के अंदर रहने दें और अगले 3 घंटे के बाद आप ये देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि आपको क्या दिखने वाला है। ये देखिए, ये जो चिप है इसके थ्रू सरकार सैटेलाइट से ट्रैक कर रही है कि आपकी ब्लैक मनी कहाँ इकट्ठी हो रही है और उनको पूरी डिटेल रहेगी और इस चिप के अंदर आपका पैन कार्ड, आपका फोटो, सब कुछ सेव है। ये वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो का सच जानने के लिए हमने 2000 के नोट के साथ वही किया जो इस वीडियो में बताया गया। वायरल वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये 2000 रुपए का नया नोट फ्रीजर में रखते ही ये चिप उगलने लगेगा। अब ये देख रहे हैं आप, मेरे हाथ में 2000 का नया नोट है और ये मैंने खोला फ्रीजर का कंपार्टमेंट और ये देखिए, ये 2000 रुपए का नोट मैं फ्रीजर में रख रही हूं और जरा घड़ी में टाइम देख लीजिए, 2:10 है, 1:50 हो रहे हैं। ये फ्रीजर का कंपार्टमेंट मैंने बंद किया, 3 घंटे के बाद हम इस फ्रीजर कंपार्टमेंट को खोलेंगे और जानेंगे क्या 2000 के इस नए नोट ने चिप उगली। हमने भी 3 घंटे तक इंतजार किया। दोपहर 1:50 पर 2000 का नोट हमने फ्रीजर में रखा था। 3 घंटे बाद हम वापस पहुंचे और देखा कि नोट वाकई कोई चिप उगल रहा है क्या। और मैं कैमरामैन से कहूंगी कि जरा घड़ी के क्लोजअप में जाएं, वक्त दिखा दें यहाँ पर दर्शकों को, 5:20 होने वाला है, 5:15 हो गया है, मतलब करीब 3:25 या यूं मानकर चल लीजिए कि करीब करीब 3:30 के बाद अब हम ये फ्रीजर खोलने जा रहे हैं और ये हमारा 2000 रुपए का नोट जो हमने फ्रीजर में रखा था। नोट ठंडा हो गया है, मेरे हाथ में ये नोट है इस वक्त और ठंडा ये नोट तो हो गया है लेकिन कोई चिप जो कहा जा रहा था कि ठंडा होने के बाद ये नोट चिप उगल देगा, मुझे कोई चिप इसमें नजर नहीं आ रही है। और जरा अच्छे से कैमरामैन इस नोट को दर्शकों को दिखा दे ताकि वो भी अपनी तसल्ली कर ले, क्या ठंडा होने के बाद इस नोट ने कहीं पर से कोई चिप उगली। एबीपी न्यूज आपको पहले भी ये बता चुका है कि 2000 के नोट में नैनो जीपीएस चिप जैसी कोई चीज नहीं है। 9 नवंबर की रिपोर्ट में हमने उस दावे का सच आपको बताया था जिसमें जमीन से 120 मीटर नीचे तक नोट का पता लगाने की बात थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 2000 के नए नोट में ऐसी कोई नैनो जीपीएस चिप नहीं लगी हुई है। अगर वाकई कोई चिप इसमें लगी होती तो सरकार क्यों छिपाती। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी नोट में चिप जैसी किसी चीज से साफ इनकार कर चुके हैं। डिनोमिनेशन करेंसी लाइक 2000 रुपीस विल कम विद अ जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, विल बी अ चिप। देखिए, ये चिप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना कुछ बताने और साफ करने के बावजूद कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश में लगे हैं। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है, ऐसे भ्रम में न फंसें और न दूसरों को फंसने दें। हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो झूठा साबित हुआ है।